पीसीएम से 12th किया है, एक साल के अंदर नौकरी चाहिए। दोस्तों 5000 नौकरियां हर 6 महीने में आपका वेट कर रही है और साल भर की मिला दो तो 12000 वैकेंसीज हो जाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नेवी और एयरफोर्स के तहत उन वैकेंसीज की जो सिर्फ पीसीएम के बच्चों के लिए ओपन है। दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का बच्चा नेवी के अंदर SSR और AA की एग्जामिनेशन दे सकता है, साथ ही साथ वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप साइंस स्ट्रीम के अंदर अपीयर हो सकता है। दोस्तों ये एक ऐसी वैकेंसी है जो सीधे 12th के बेसिस पर होती है, एग्जामिनेशन पास करने के तुरंत बाद सेकंड फेज क्लियर करना होता है और उसके बाद सीधे आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। कई बार लोग जो है अपने 12th पास होने के बाद 4 वर्षों तक करियर ही डिसाइड करते रहते हैं, कॉलेज के चक्कर ही लगाते रहते हैं, उतने दिनों में आप नेवी एयरफोर्स का हिस्सा बन करके अपने जीवन को उस उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं जो कई सारे लोगों के लिए सिर्फ सपना होता है। तो दोस्तों अगर आपने पीसीएम से 12th किया है या फिर आपने किसी दूसरे स्ट्रीम से 12th किया है तो आप एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी जा सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा एयरफोर्स का हिस्सा बन सकता है, नेवी का हिस्सा जो है खासकर पीसीएम वाले बच्चों के लिए होता है और हर बच्चा आज की तारीख में एग्जामिनेशन दे सकता है। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। साल में 2-2 बार एग्जामिनेशन होती है और इन एग्जामिनेशन को पास करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। फोर्स डिफेंस एकेडमी की डेडिकेटेड टीम के अनुभव के अंदर उन फैकल्टीज के रिसर्च के स्टडी मटेरियल को पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से ये पोस्ट आप ही का वेट कर रही हो, देर ना करें। 1 अप्रैल से फोर्स डिफेंस एकेडमी पर नेवी और एयरफोर्स का बैच लॉन्च हो रहा है, आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। कुछ डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, उन डिस्काउंट्स का लाभ उठाएं। आर्मी नेवी एयरफोर्स में एयरमैन और सेलर बनकर के अपना उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद।